गाइस कैसे आप सब लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे और सब मस्त होंगे। अभी रात के बज रहे हैं 10 और हम रेडी हैं निकलने के लिए। तो फिर सीधा बाइक पे ही मिलता हूँ, है ना। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। यार बड़ी ठंड हो रही है भाई। अभी तो 10 बजने वाले हैं, 10 नहीं यार 9:30, मतलब बाइक में तो 9:30 दिखा रहा है और टाइम थोड़ा आगे पीछे है। तो 10 बजने वाले हैं, यहाँ से हम सही टाइम पे निकल गए हैं। देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं। ठंड तो यार बहुत ज़्यादा है अभी ये हालत, और रात को तो भाई पता नहीं क्या ही होगा। पर भाई इस बार मज़ा बहुत आएगा, मसूरी वाली ट्रिप से डबल मज़ा आएगा इस बार। सब चीज़ पहना हुआ हमने, ग्लव्स जैकेट वैकेट फुल कवर अप होके जा रहे हैं। बट फिर भी यार बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंड है भाई, हद से भी ज़्यादा ठंड है भाई। हाँ, अभी तो यार हमें कुछ टाइम दिल्ली से निकलने में लगेगा, क्योंकि अभी 9:30, 9:30, 10 बज रहे हैं ना, तो अभी ट्रैफिक ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि अभी लोगों के घर आने का टाइम है ना यार, तो अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ जब मैं प्रॉपर हाईवे पे होऊंगा या फिर कहीं पे थोड़ी बहुत खाली रोड आएगी, ठीक है। वहाँ पे चेकिंग चल रही थी गाइस, आपको अभी हम कोटला के पीछे हैं, सिरसा कोटला स्टेडियम के पीछे हाईवे। अभी रात को तो दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, बट ये रहा इधर स्टेडियम है, दिख रहा है देखो, अगर थोड़ा बहुत आपको अगर दिख रहा है तो। बाकी तो मज़ा आ रहा है यार ठंड में, ठीक है। ज़्यादातर यार अब हम सुबह ही शूट करेंगे पहाड़ में, रात को तो अभी आपको क्या ही दिख रहा होगा, सुबह भाई बस पहाड़ में पहुँच जाएंगे, 10 सेकंड बाद हम पहाड़ में होंगे भाई, पहाड़ में। तो मिलते हैं आपसे सीधे पहाड़ में, ठीक है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। यार अभी हम पहुंच चुके हैं ब्यासी, और ये देखो गाइस व्यू, पहाड़ पहाड़ शुरू हो गए, पहाड़, ये नदी देखो गाइस भाई, इतनी भयंकर ठंड है। रास्ते में भाई कुल्फी बन गई हमारी, ये अपनी धन्नो एक वो भाई कुल्फी बन गई, कुल्फी भाई इतनी ज़्यादा ठंड भाई, दो दो ग्लव्स पहन रखे हैं फिर भी भाई हाथ सुन्न हो रखे हैं, और पूरी फॉग 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 भाई, पूरे रास्ते पे फॉग थी भाई, कुछ दिख नहीं रहा था भाई यहाँ पर से वहाँ पर तक, इसलिए मैंने गोप्रो भी ऑन नहीं किया। तो अब यहाँ से मोटो ब्लॉग दिखेगा आपको, फिर यार सीधे मोटो ब्लॉग सेटअप पे ही बात करते हैं आपसे, है ना। अभी ठंड लग रही है थोड़ा, हम भी इंजॉय करते हैं आप पे, फोटो वोटो खींचते हैं फिर चलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे रुके थे अभी, एक मस्त रील बनाई है, इंस्टाग्राम पे देख लेना, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना भाई, क्योंकि ऐसी मस्त मस्त रील्स आने वाली है अभी। तो अब यहाँ से मोटो ब्लॉग शुरू करते हैं यार, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा फॉग थी इसलिए हमने मोटो ब्लॉग नहीं किया। ठंड भाई, ठंड इतनी ठंड भाई, क्या बताऊँ आपको कितनी ठंड भाई। भाई हम लोग सुन्न हो गए, सुन्न बोलते हैं ना भाई, जैसे हाथ पाँव सब सुन्न हो रखे भाई। डबल ग्लव्स पहन रखे भाई, डबल जैकेट पहन रखे हैं, कितनी ठंड। और कुछ दिख ही नहीं रहा था रास्ते में, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, फॉग की वजह से विजिबिलिटी कुछ थी ही नहीं। तो फिर हम लोग थोड़ा रुक गए थे, आराम से चलेंगे, हमें खाई की जल्दी है, हाँ जल्दी करनी है कुछ चीज़। तो अब आप लोग खूबसूरत खूबसूरत नज़ारों का लुक उठाओ, बाकी बीच बीच में आपसे बातें करते रहेंगे। यो ठीक है, जय सूर्य देवाय नमः। समान पांच
सोचा नहीं दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं। एक गहरी सांस लेकर सब भूला भाई जादू सा है कुछ हवा में। झंझट से दूर हूँ पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज। जो करो जो करना नहीं डरना कुछ अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया। मैंने दो यहाँ जाना मुझे घर में। भाई बहुत ज्यादा ठंडा है भाई अभी तो। भाई सूरज सूरज जब तक निकल गए हैं तो थोड़ी सी धूप आ गई है और इस वजह से फॉग हट गई है बिल्कुल ही। और ये देखो इन भाई साहब को भैंस की टांग मोड़ों पे काटना है भाई। मोड़ पे ओवरटेक करना है भाई को। करो भाई करो आप करो, हम तो नहीं करेंगे ब्रो, हम तो स्लो स्लो चलेंगे। जाओ सर जाओ। देखो भाई सूरज देखता है अभी पहाड़ के पीछे से हल्की सी झलक दे रहे हैं। कभी पहाड़ के पीछे डूब रहे हैं कभी दिख रहे हैं। बढ़िया नज़ारा एकदम। अरे अरे जो रोड पे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं ना इसमें। ओए भाई बोल ही रहा था कि आ गया पत्थर नीचे। टनल पूरा हाथ से चटक जाता है भाई। गाइस आज हम जाएंगे श्रीनगर जो कि है यहाँ से 69 और 70 किलोमीटर है। चलो कोई नहीं आराम से पहुँच जाएंगे। और गाइस ये पहुँच चुके हैं हम ब्यासी। बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ से आप लोग अपने लिए दालें रख सकते हो, पहाड़ी दाल जो इधर पहाड़ में होती है वो यहाँ पे मिल जाती है तो आप यहाँ से रख सकते हो। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनु छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा। कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही तसर। बाकी तो भाई रोड एक नंबर है अभी तक। अभी तक इतनी दिक्कत नहीं आई रोड पे अभी तक तो। बाकी आप आके देखते हैं। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। भाई का फॉग मिलना शुरू हो गया है अभी तक तो। ऊपर बस मौसम था देखिए जो भी है, बट अब फॉग मिलना स्टार्ट हो चुका है। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें
सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चान बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। Hey guys, अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। अब जाके थोड़ी धूप आई है भाई, अब जाके थोड़ा राहत मिला है भाई, वरना तो भाई ठंडे से हालत ख़राब हो गई थी भाई, बहुत गंदी हालत हो गई है ठंडे से। और गाइस व्यू देखो, मेरे को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस व्यू, यह है देवप्रयाग। यहाँ पे गाइस ये जो दो नदियाँ आ रही है, ये है अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग। तो गाइस तब तक आप ये सिनेमैटिक एंजॉय करो देवप्रयाग का, और फिर मैं आपको मिलता हूँ सीधे मोटो ब्लॉग पे, है ना। तो यार चलते हैं, टाइम भी हो ही रहा है, और हम तो फ़ोटो वोटो खिंचा के चलते तो हमें टाइम लग ही रहा है ना। एंजॉय करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, और बताना कैसी लगी आपको या पहला व्लॉग कैसा लगा, ठीक है। और अभी पूरी सीरीज़ आएगी, मैं मिलते हैं आपको सेटअप पे सीधे मोटो व्लॉग, ठीक है। अभी हम पहुंचने वाले हैं मलेथा, गिरनगर से थोड़े पीछे है, बड़ी ज़बरदस्त ठंड लग गई आज, तो मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको अभी तक ये एपिसोड, ज़रूर बताना यार, और लाइक कर दो अभी तक, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस अब मैं श्रीनगर मात्र 5 किलोमीटर बच गया, यहाँ से कृष्णनगर पहुँच गए हैं हम, तो फटाफट से चलते हैं, ठीक है। और बस यार आपका सफ़र यहीं तक होगा, ट्रेन अगर रुकेंगे आज हम, बाकी आगे का सफ़र कल तय करेंगे, इतने कल कहाँ जाते हैं बता, इतना ही था और ले लेंगे जाके श्रीनगर में, और जाके श्रीनगर में एक मस्त रूम लेते हैं, गाइस। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर, आज यहीं स्टे करेंगे, थोड़ा यहाँ घूमेंगे और यहाँ पे होटल ले लिया अभी हमने, तो अब देखते हैं आज का क्या सीन होता है। आज तो यहीं रुकेंगे हम और उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये फर्स्ट एपिसोड है, इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपसे ऐसे अगले एपिसोड में जल्दी, ठीक है। श्रीनगर से जब कंटिन्यू करेंगे।